तो सही है, स्कूल खोलना है। ये दो स्क्रू इधर लगे होंगे ऊपर, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। इसको आपने उठा लिया, ठीक है। उसके बाद इसको आपने ओपन कर लिया, आपने इसको खींच लेना अपनी तरफ। ये आपका फ्री हो गया और इसको आपने आराम से हटा देना। ये आपका 12 पर टैंक लगा हुआ, होने के बाद आपने इस साइड का भी एक स्क्रू खोल। ये वाला स्क्रू खोल के आपने इसको भी लादा कर देना। ये आपका पूरा ड्रम यूनिट ओपन हो गया। उसके बाद आपने ड्रम निकालना। ड्रम निकालने के लिए ये वाला कप वायर, ये कप आपका वायर आ जाएगा और ये आपका ड्रम ओपन हो गया, फ्री हो गया। उसके बाद आपने ये दो लॉक ये साइडों पे, ये साइड, ये वाली साइड पे, और ये आपकी पट्टी लगा होगी। उसके बाद पीसीआर को ऊपर को खींच लें आप। ये पीसीआर आपका ओपन हो गया। ये पीसीआर रोलर ओपन हो गया। फिर उसके बाद आपने ये दो ब्लेड के स्क्रू लगे, ये दोनों आपने ओपन कर लेने। ओपन करने के बाद माइनस का पेचकश लें और इसको ऊपर उठा दें और ये आपका ब्लेड बाहर आ गया। चेंज कर दें और उसके बाद ये आपने ब्लेड निकाला। ये न्यू ब्लेड, ये आपने इस तरह रखना ऊपर। ये अपनी जगह पे बैठ गया। उसके बाद दोनों साइडों पे आप इसके स्क्रू लगा दें। ये आपके दोनों स्क्रू टाइट हो गए। बाद आपने पीसीआर चेंज करना है इसका। पीसीआर की ये साइड जो है ये ग्राउंड साइड है,
ये ग्राउंड वाली साइड है जहाँ पर ग्राउंडें होनी है, और ये वाली साइड आप देख लें जहाँ पर कट लगा हुआ है, ठीक है। ये वाली साइड आपने ग्राउंड वाली साइड पे रखनी है, ठीक है। और ये आपका ये पीस यार फिट, ये पीस यार फिट हो गया। और उसके बाद हम ड्रम फिट करेंगे, इसका ड्रम, ये हमने ये ड्रम इस तरह लगा दिया इसमें। फिर उसके बाद हमने इसका ये वाला साइड कप लगाना है, साइड कप लगा के फिर इसको इसको इस यूनिट में उल्टा घुमाने के बाद फिर सीधा घुमाना है ये आपका ड्रम, ओके। और उसके बाद आपने इसमें ड्वाल का टैंक को फिट करना है, ये पड़ ड्वाल पर टैंक की ये दो पिने हैं, एक ये लगी है, एक इसके ये वाली साइड पे लगी है। ये ड्वाल पर टैंक की पिने इन इन सराखों में आएंगी, अगर ये सराखों से बाहर होंगी तो आपका प्रिंट ब्लर आएगा या एक साइड से कट जाएगा। ये आपका इधर फिट हो गया, इस तरह आपने इसको खड़ा कर लेना, खड़ा करके इधर से आपने पिन का रुख देखना, पिन का रुख देख के इसको आपने बीच में बैठा लेना, और दोनों साइडों पे आपने जैसे कि पहले स्क्रू लगे थे वैसे ही आपने स्क्रू इन साइडों पे लगा देना। ये आपने स्क्रू लगा दिए, और उसके बाद ये वाली साइड पे भी आपने स्क्रू लगाने हैं। इसको जैसे ही वापस डाल देते बंद करने के जैसे ना, बाद में आपको ये लॉक बंद नहीं हुआ। ये देखना है कि दोनों साइडों पे स्प्रिंग लगे हुए हैं, ये उन स्प्रिंगों को आप एल्फी लगा लें, एल्फी लगाने से क्या होगा कि ये स्प्रिंग घूमेंगे नहीं। ये इधर को ये आपने ये बेस में, ये बेस में आपने ये वाला स्प्रिंग बैठाना है, और दूसरे में ये कप में ये वाला स्प्रिंग, और इसको आपने इधर से लॉक कर देना है। साइडों से आपने ये लॉक हो गया, और आपने इधर से भी
लॉक कर देना, ये लॉक हो गया। उसके बाद आपने इसकी जो ये वाली पट्टी उतारी थी, ये वाली पट्टी को ऐसे करना है, ये दोनों लॉक ऊपर को बिठाने हैं, ठीक है। ये आपकी पट्टी फिट होगी और फिर उसके बाद ये आपने दोनों ये पिनों में आपने दोनों बिठा देने हैं और ऊपर से ये दो स्क्रू जो है एक इस वाली साइड पे और एक दूसरी साइड पे, दूसरी साइड पे स्क्रू लगा देना इसका। ये आपका टोनर कंप्लीट और आप इसको थोड़ा सा ब्लोअर कर सकते हैं अगर आपके पास ब्लोअर है, नहीं तो कपड़े के साथ साफ कर। और ये आपने अपना इसमें टोनर लगा देना और ये लॉक को, ग्रीन लॉक को ऊपर कर देना। ये आपका टोनर तैयार है और उसके बाद आपने ये टोनर बैठाने के लिए